हम लोग इस समय हैं खीरी लड़ियारी रोड पर खड़े हुए हैं। नारीवारी चौराहा है और चाय की और समोसे की एक दुकान है। ऐसे ही कुछ लोग दोपहर में, गांव में एक चीज़ आम रहती है कि लोग जब खाली होते हैं तो अपना समय इस ऐसे ही चौराहों में, ऐसे ही दुकानों पर चाय की चुस्की या फिर इसी पर अपनी राजनीतिक बातें करते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं। उन्होंने ऐसी दुकानें आप छप्पर के नीचे गाँव में फिलहाल देख सकते हैं जितने भी हमारे व्यूअर हैं। तो हमारी चर्चा जो चुनावी चर्चा है आज वह नारीवारी। हम थोड़ा सा मास्क इसलिए नीचे करेंगे, कोरोना का तो खतरा है साथियों, लेकिन चूंकि आवाज़ क्लियर नहीं थी इसलिए मास्क थोड़ा निकाल कर हमें बोलना पड़ रहा है। हमारे बीच एक चाचा जी मौजूद हैं, तो देखिए यहाँ पे दो लोग मौजूद हैं, धूप का भी आनंद ले रहे हैं। जी जी, उनसे भी बात होगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि 2022 का चुनाव नज़दीक है और प्रत्याशियों का भी ऐलान है। जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय यह 12 विधानसभा का इलाका है, नारीबारी का प्रमुख चौराहा है, जहाँ पर कुछ लोग बैठे थे। तो आप योगी सरकार का 5 साल का काम कैसे देखते हैं? अरे हम ही नहीं बोलते। अच्छा, काम नहीं है तो वोट तो डालते हैं ना भैया, आप बताइए। सरकार के सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिली हैं। जैसे सुविधाओं की बात करें तो कौन सी सुविधाएं मिली? लेटरिन मिल गई है हम लोगों को। और क्या मिला है? और क्या है, गैस वैस सब सुविधा मिल गया है। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार सिंह नाम है। अवनीश कुमार सिंह, तो अगर ये बात किया जाए हम 12 विधानसभा की, तो यहाँ पर पटेल मतदाताओं की और फिर सामान्य में ब्राह्मण मतदाताओं की काफ़ी संख्या है, तो आपको क्या लगता है जो डॉक्टर अजय कुमार अभी वर्तमान में विधायक हैं, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये सीट अपना दल के खाते में जा सकती है, तो क्या इससे कोई परिवर्तन होगा चुनावी नतीजे में? हाँ, काफ़ी परिवर्तन हो सकता है, इसी बात किसके पक्ष में माहौल जाएगा, मतलब अपना दल के साथ भी लोग वैसे ही जुड़ेंगे जैसे भाजपा के साथ थे, या कोई फर्क दिखेगा? नहीं, अपना दल में तो ज़्यादा लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं। अगर ये सीट चली जाती है बंटवारे में अपने दल, चूंकि प्रिया जी उनके साथ है ना, भाजपा के साथ। हाँ। और आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चर्चा पढ़े है। हैं, पढ़े हैं। आपका क्या नाम है? अंकित पाल। तो आपके हिसाब से क्या माहौल है 2022 के चुनाव का? अब हम माहौल बताओ, वो बताओ। अच्छा, नहीं पता है तो और भी लोग, चाचा जी बैठे हैं एक हमारे जो है, तो चाचा जी क्या लगता है कि 2022 में किन मुद्दों पर सरकार आ रही है? मीडिया से। अच्छा, आप समाचार से खुद जुड़े हैं तो आपसे पूछना भी नहीं, ठीक है। तो देखिए यहीं पे कुछ लोग मौजूद हैं, एक गाड़ी खड़ी हुई है, चूंकि हमारा कारवा यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? 12 विधानसभा के, मतलब अभी यहाँ से ये गाड़ी कहाँ जाएगी? खीरी लड़ियारी जाएगी। हाँ। तो क्या नाम है आपका? सोनी देवी। अच्छा, 12 में किस कौन से गांव की रहने वाली है? 12 तहसील। अच्छा, 12 खास की है। हाँ। तो महिलाओं के हिसाब से योगी जी का काम कैसा रहा? सही है। सही है, महिलाएं मतलब इनके काम से खुश हैं? बिल्कुल। तो 2022 में क्या होगा, बदलाव होगा या फिर योगी जी आ रहे हैं दोबारा? अब योगी जी आएंगे कि क्या बताएं? नहीं, आप ही लोग तय करेंगे, चूंकि देखिए कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, वह कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और महिलाओं को 40% आरक्षण और 40% जो है सीटें महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए दे रही हैं, तो क्या उनकी भी कुछ संभावना बन रही है क्या इधर? नहीं, उनकी संभावना नहीं बन। अच्छा, अगर हम इस इलाके के विधायक की बात करें तो इस समय भाजपा से डॉक्टर हैं अजय कुमार, और कांग्रेस से वहीं पर टिकट मिला है जो है मंजू संत, एक महिला लड़ रही हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा महिला के चुनाव मैदान में होने से? आप महिला आबादी जो आधी है वो किस ओर जाएगी आपके हिसाब से जानना चाहे तो? योगी जी की तरफ। अच्छा, योगी जी की तरफ। देखिए एक युवा बैठे हैं, आपके हिसाब से सरकार किसकी बनने जा रही है 2022 में? उनको नहीं मालूम है। नहीं, वोट तो डालेंगे ना आप लोग? हमें वोट डाला ही मिलते नहीं। क्यों, ऐसा क्या? ये बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे, वोट कौन नहीं डालने देता आपको? वोट डालने नहीं मिलता मतलब? नहीं, कैसे हमको समय नहीं, होटल में काम करते हैं समय। वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रहते होंगे तो वोट तो डालेंगे ना, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भैया आपके हिसाब से क्या होगा फिर सरकार का 2022 में, वोट डालते हैं ना? अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। तो देखिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं, चचा बैठे हुए हैं। चचा, क्या होगा 2022 में? हम कुछ नहीं जाने भैया। अरे वोट तो डालेंगे ना चचा? अरे फिर जब डाला जाएगा तो देखा जाएगा भाई। नहीं तो किसका माहौल बन रहा है अगर बात किया जाए? जाने किसका माहौल, जो जहरे ढनक जाए हो रे। ढंगेगा कैसे जब आप देखेंगे कि किसका मतलब इस इलाके में क्या चर्चा है? कुछ नहीं, जो जो जिधर 10 भाई दौड़ेगा उधर हम भी दौड़ जाएंगे।
नहीं, अगर आपके हिसाब से जाने तो मतलब माहौल किसका बन रहा है? चलिए ठीक है, तो कुछ लोग और मौजूद हैं, जैसे क्या है मास्टर साहब, जो है 2022 में किसका माहौल बन रहा है फिर? अभी तो भाई साहब जो माहौल है देखने को अनुसार अभी तो बीजेपी का है। किन कामों से बीजेपी फिर से मतलब आपको लग रहा है कि सत्ता में वापसी करेगी? हमारे हिसाब से ये लगता है कि जितने भी काम किए हैं उन्होंने अच्छा किया है, लोगों को सुविधाएं भी मिली हैं। क्या नाम है जैसे अगर आपसे हम पूछे तो? जी सच्चिदानंद शुक्ला। अच्छा, ये तो मतलब सच्चिदानंद जी हैं, इनका कहना है कि 2022 में आ जाइए युवा हैं। अच्छा ठीक, देखिए आपके हिसाब से फिर क्या होगा 2022 में? अब देखिए क्या होता है, मतलब आप लोग 2022 में जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता में परिवर्तन है और पिछड़े समाज के तमाम नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें गए हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये 2022 में बदलाव होगा, तो रियल में हम ये जानने आए हैं, 12 विधानसभा का इलाका है, इधर से आगे मध्य प्रदेश का इलाका शुरू होता है, तो हम ये जानने आए कि ज़मीनी हकीकत में क्या वास्तव में जैसा कि नेता कह रहे हैं क्या वैसा जमीन हकीकत में भी बदलाव है या फिर योगी जी दोबारा आ रहे हैं, क्या आपके हिसाब से क्या है? इस बार तो अखिलेश को आना चाहिए। अच्छा, अखिलेश को आना चाहिए। हाँ। तो किस मामले में मतलब आपको लगता है कि योगी सरकार फेल रही है और अखिलेश आ रहे हैं? अब ऐसे ही देख लीजिए कितनी परेशानी दिक्कत हो रही है। जैसे परेशानियों की बात करें दोस्त, परेशानी की बात ऐसे बहुत सी परेशानियाँ हैं। अच्छा, सड़क बिजली और पानी की हम बात करें तो इसमें आप योगी सरकार का काम कैसे देखते हैं? वो तो सही है, कुछ काम सही है कुछ काम गलत है। अच्छा, इसलिए अखिलेश को इस बार आना चाहिए हमारे तरफ। अच्छा, तो आपके हिसाब से बदलाव होगा। तो देखिए ये थे नारीबारी के कुछ लोग, शायद अभी गांव समाज में लोग सीधी सीधी बात करने से कतराते हैं, लेकिन इनके माहौल से यही दिखा कि अभी इस 12 विधानसभा के इस इलाके में जो मध्य प्रदेश की सीमाओं से भी लगता है, इस इलाके में कहीं ना कहीं लोग सरकार से काम के खुश हैं और कुछ लोग वहीं पर ये महंगाई के मुद्दे पर सरकार में बदलाव भी चाहते हैं, ऐसा भी इस चौराहे की दो जगह की रिपोर्टिंग में हमने देखा। चलिए इसी पर हम कुछ और लोगों से बात कराएंगे। तो चौराहे पर जहां पर चाक घाट से चलकर प्रयागराज के लिए बस सेवा प्राइवेट वाहन है यह, और यहीं पर खड़ा हुआ है, तो हमने कहा कि यात्रियों से कुछ बात की जाए 2022 में सरकार का क्या माहौल है और इसमें हो सकता है कि कुछ मध्य प्रदेश के भी यात्री हो सकते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के भी, तो हम चलेंगे बस के अंदर और यहाँ पे बैठे यात्रियों से बात करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? सरिता। का रहने वाली मध्य प्रदेश की हैं या यूपी की हैं? मध्य प्रदेश की हैं आप। हाँ। अच्छा, इसमें यूपी से कितने लोग हैं भाई? उत्तर प्रदेश से कौन है? हाँ, तो ये बताइए योगी मोदी को चुनते हैं या फिर मध्य प्रदेश में आप सरकार चुनती हैं? अच्छा, तो किस गांव की हैं? बलापुर। ये यूपी बॉर्डर के अंदर है कि एमपी बॉर्डर में है? नहीं। हाँ। कर्मा। अच्छा, कर्मा की हैं, तब तो आप करछना विधानसभा में हैं। हाँ। तो ये बताइए माता जी, योगी और मोदी का काम कैसा रहा? ठीक है, जो कुछ है। अच्छा, फायदा मिला है आप लोगों को? अरे काम मिला हमका पता नहीं, जो कुछ कर रहे हैं ठीक ही है। अच्छा, कोरोना लगा हुआ है, मास्क तो हम भी नहीं लगाए, हमारा मास्क भी टूट गया जो है। आ जाइए अंदर आ जाइए थोड़ा सा। इधर आप लोग एमपी के हैं कि यूपी के हैं? हम तो एमपी के हैं। यूपी के हैं आप लोग कि एमपी? सब लोग एमपी के हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादातर मध्य प्रदेश की सवारियाँ हैं, और यूपी से कौन है इसमें? कोई नहीं है यूपी से। आप लोग कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। तो देखिए एक बहन मिली है हमें, रहने वाली कहाँ की है आप? सुरवल सहनी। तब तो यही पढ़ती हैं क्या यहाँ? यस। क्या पढ़ाई करती है? सोशल साइंस से आज पेपर था। अच्छा, आज पेपर था। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि लड़कियों के हिसाब से और आप युवा हैं, इस हिसाब से सरकार का कामकाज कैसा रहा? ठीक ही था। तो कैसे देख रहे हैं आप? जैसे अभी प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देने की बात करती है, तो अगर योगी मोदी का देखा जाए तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि 2022 में बदलाव होगा या फिर यही सरकार होगी? बदलाव होना चाहिए। अभी तो आपने कहा कि अच्छा काम था, फिर भी बदलाव होगा? और जो मतलब पढ़ाई लिखाई की बहुत हुआ हो रहा है ना। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? खुशबू प्रजापति। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि सरकार सड़क बिजली पानी आवास में काम नहीं की? क्यों नहीं की? तो किस मुद्दे पे सरकार को आप बदलना चाहते हैं?
इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर सरकार ऐसे भेदभाव कर रही है, मतलब जैसे सेंटर स्कूल की नहीं जा रहा है, स्कूल भी ऐसे घटिया चल रही है। तो कोरोना के कारण है और इसलिए स्कूल बंद है। अब आप ठीक ही है, चलिए ठीक है। आप माता जी कहाँ की हैं भैया? कहाँ के हैं? एमपी के हैं। अच्छा, एमपी के सब लोग हैं। तो इस बस में ज़्यादातर एमपी की सवारी थी। चलिए फिर हम किसी दूसरी बस में या कहीं लोगों से बातचीत कराएंगे। तो देखिए ड्राइवर साहब बैठे हैं, क्या नाम है आपका? डब्लू। कितने दिन से इस रूट पे आप गाड़ी चला रहे हैं? 5 साल से। तो रहने वाले कहाँ के हैं? जारी बाजार। जारी बाजार में। तो क्या माहौल रहेगा 2022 के चुनाव में? यह बार परिवर्तन रहे। परिवर्तन तो फिर आ कौन रहा है? इस बार या अखिलेश आएंगे या तो फिर प्रियंका। अच्छा, प्रियंका का भी असर है? हाँ। अच्छा, योगी और मोदी का काम कैसा रहा? इनका काम फ्लॉप है। अच्छा, तो फिर 2022 में बदलाव होगा? हाँ, बिल्कुल बदलाव। तो देखिए जारी के स्थानीय निवासी थे और इनका कहना है कि 2022 में बदलाव होगा और नई सरकार आपको यूपी में देखने को मिलेगी ना? बिल्कुल देखने को मिलेगी। चलिए फिर हम किसी नए यात्रियों से और किसी नए जगह पर लोगों से बातचीत कराएंगे।